पहले तो कुलदीप यादव आपको हैप्पी बर्थडे। कितने साल के हो गए आप? मैं अभी 29 का हो गया हूँ, कंप्लीट हो गया हूँ, कल से 30 मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, तो बड़े क्लब में जाने वाला, मतलब आप यंगस्टर बनने वाले हो। और आपको बहुत बहुत बधाई हो फाइफर के लिए। एक T20 गेम में फाइफर लेना बहुत बड़ी बात होती है, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, बस ऐसा 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 नहीं कि मैंने प्लान किया था कुछ ज़्यादा, बस इतना ही था कि मैं लेंथ पकड़ के डालूँ। जब विकेट देगा, थोड़ा सा स्लो था विकेट, तो थोड़ा क्विकर वन बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा था ज़्यादा, तो वही पहले ओवर के बाद मैंने वही ट्राई किया, थोड़ा रॉन्ग वन थोड़ा कम डाला। कहीं ये वो चहल वाला इफेक्ट तो नहीं है? मैंने सुना कि युजवेंद्र चहल भी ODI सीरीज के लिए आ गए हैं साउथ अफ्रीका, और कल आप उनसे मिले, उनसे मिलते ही आपने आज फाइफर ले लिया, कुछ आप लोग का अलग कनेक्शन लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कल बहुत लंबी फ्लाइट से आए थे चहल भाई, और शाम को मिले थे, और ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, उन्होंने बोला कि बॉलिंग अच्छी हो रही है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो हमेशा से जब नहीं भी अच्छा, जब पहले भी 2-3 साल पहले जब भी थे, हमेशा वो सपोर्ट रहा है उसका, हमेशा कुछ भी ऊपर नीचे होता था तो हमेशा समझाता था कि ऐसा कर सकता है तू, और आज भी वैसे ही, कल भी उसे मिला था तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, और काफ़ी अच्छा रहा। अब वनडे में अगर मौका मिला साथ खेलने का तो ऐसे ही होपफुली ऐसे ही करेंगे। बहुत बढ़िया, और बिल्कुल, और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं, सब लोग तो आपको सेंचुरी के नाम से जानते हैं, सेंचुरियन हर T20 में आप जाते हैं, इतनी बिंदास बैटिंग करते हैं, मैन ऑफ द मैच रहे आज, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, तो उसके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कभी भी मेरा, जब भी मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरा ये थिंकिंग नहीं रहता है कि आज मैं जाके इतने बनाऊंगा या उतने बनाऊंगा, मैं बस यही देखता हूँ कि मैं कैसे एंजॉय कर सकूँ अपनी बैटिंग को अंदर जाके। आप देखते होंगे जब मैं डगआउट से भी मैं भाग के जाता हूँ, जो बैट्समैन आउट भी हुआ होगा वो इधर 30 yards भी नहीं पहुंचा होता, और मैं ऑलरेडी क्रीज पे रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है भाग के जाने, आई लाइक टू बी रेडी फॉर द फर्स्ट बॉल। और प्लेयर ऑफ द मैच, और एक ही बात बोलना चाहूंगा, ऑल फेम रीचेस गॉड, गॉड इज ग्रेट। ये हमारे ड्रेसिंग रूम में एक हमारे रघु भाई है, उन्होंने हमेशा बोला है ये कि इस बात को याद रखना, और मैं हमेशा याद रखता हूँ उस बात को, और इसी को बना के मैं चलता हूँ आगे।